व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूड्स विद जेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिकिया, जो सभी बड़े शौक से खाते हैं और बनाते हैं, और ख़ास तौर पर रजब में तो बहुत ही बनाई जाती हैं। अगर आप शाम में स्नैक्स के तौर पर लें तो भी बहुत मज़े की लगती हैं, खस्ता खस्ता। और हम बनाएंगे अपने स्टाइल में, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं इसमें क्या क्या डालूंगी। सबसे पहले तो मैंने ये 1 कप चीनी ली है और 1/2 कप दूध लिया है। पहले मैं इसको पीसी नहीं है मैंने चीनी, देखें साबुत चीनी है। मैं दूध में चीनी को पकाऊंगी थोड़ा सा नीम गरम करके दूध में, फिर मैं इससे मैदा गूंदूंगी। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, 3/4 कप सूजी है, बारीक वाली सूजी ली है हमने, और ये 1/3 कप जो है कोकोनट है, जो कसा हुआ या पिसा हुआ कहते हैं जिसको, और ये 1/4 कप जो है वो सफ़ेद तिल है। ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके जो इसमें जाते हैं। और मैंने मुझे थोड़ी सी इसमें खुशबू बहुत पसंद है, तो मैंने ये सौंफ दरदरी कर ली है छोटी इलायची के साथ, 3 से 4 मैंने छोटी इलायचियाँ ली थी तो मैंने बारीक पीसी, फिर मैंने उसके बाद सौंफ डाल के उसको दरदरा सा कर लिया। जब वो मुँह में हमारे खस्ता खस्ता टिकियाँ आए, मीठी टिकिया, तो उसका फ्लेवर सौंफ का बहुत मज़े का लगे। तो चलें फिर अब बनाते हैं, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं इतनी देर में इसको नीम गरम करती हूँ चीनी और दूध को मिला के। हमने बहुत ज़्यादा दूध नहीं लिया है क्योंकि चीनी के साथ मिला के पकाएंगे तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो ये तकरीबन 1.5 कप हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए देखें, 2 कप मैदा मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और आप लोग भी हमेशा छान के यूज़ किया करें मैदे को, इससे ख़ास तौर पे बेक करते वक्त या ऐसे चीज़ें तलते वक्त तो बहुत अच्छी एयर निकल जाती है, तो बहुत अच्छे इसका रिजल्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी जो हमने 1/2 कप ली थी, और इसमें डालेंगे कसा हुआ खोपरा, फिर ये डालेंगे तिल, और इसमें डालेंगे ये सौंफ और छोटी इलायची का पाउडर। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए देखें, ये मैंने घी लिया है, अगर आप चाहें तो खैर ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और असली घी भी आप ले सकते हैं। 5 टेबल स्पून ये मैंने घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे और बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतनी अच्छी मीठी टिकिया बनेंगी अपने हाथों की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, ये इस तरीके से मिक्स होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मीठी टिकिया बहुत अच्छी बनेंगी। तेल, वो घी और मैदा, हर चीज़ मिक्स हो जानी चाहिए इसमें। और फिर हम इसको दूध से गूंदेंगे, और दूध की आप लोग देख लें, ये मैंने चीनी पकाई थी तो दूध की ज़रा सी शक्ल चेंज हो गई है चीनी की वजह से, लेकिन ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट आने वाला है। चीनी भी पीसने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम इस तरीके से यूँ करेंगे, तो ये देखें ये बिल्कुल बाइंड हो गई है, टूट नहीं रही है। चलिए अब हम इसको दूध डाल के गूंदते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी मैं इसमें, नीम गर्म दूध है, और बहुत अच्छी ज़रा टाइट सी हमें इसकी डो गूंदनी है, नरम नहीं गूंदनी है, क्योंकि जितनी टाइट होगी उतना ही अच्छी टिक्कियों का रिज़ल्ट आएगा। बहुत अच्छा सा स्मूथ गुन गया है। अब हम इसको, हमने हार्ड रखा है, अब इसको हम जो है ऑयलिंग करके रख रहे हैं 1/2 घंटे के लिए। हल्का सा ऑयल का हाथ लगाया ताकि पपड़ी सी ना आ जाए, अब इसको कवर करके रखेंगे। चलिए 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी इसकी टिकिया काट के और तल के कैसे। चलिए देखें, 1/2 घंटा हो गया है, और अब हम इसको बनाएंगे टिकिया, मीठी टिकिया। ये हमने रोलिंग बोर्ड ले लिया है, और इसको ऑयल, थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे इसकी ताकि इस पर बनाते वक्त चिपके नहीं, और फिर हम इसको बेलेंगे, ज़रा मोटा मोटा सा बेलेंगे। और ये मैं बताना बिल्कुल भूल गई कि वो ये 2.5 कप मैदा है, क्योंकि मैंने 1/2 कप मैदा और लिया था, तो ये 2.5 कप मैदे की मेजरमेंट थी। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप चीनी लेके और उसको पीस के फिर बना सकते हैं। मुझे इसमें आसानी होती है तो मैं ये बना इसी तरीके से बनाती हूँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बेल रही हूँ, हमारी खस्ता खस्ता सी मीठी टिकिया तैयार होनी चाहिए इंशाल्लाह। देखें मैंने अच्छा खासा मोटा रखा है, मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। हम इस, ये आप कोई शेप ले लीजिएगा, मैं इसको ढक्कन की मदद से काट रही हूँ, जार के ढक्कन की, और ये इसको इस तरीके से आप साइज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़रा सा दबा के कट करेंगे, और जो बाकी बचेगा उसको दोबारा हम एक नया पेड़ा बना लेंगे।
चलिए देखें, जो बाकी का ताव हमने हटा लिया है और अब हम इस पे हल्के हल्के फोक की मदद से कट लगा रहे हैं। ये अगर आप स्लैब पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बड़ी क्वांटिटी में बेल लेंगे और बन जाएगी। ये मैंने रोलिंग बोर्ड लिया है तो इसलिए ज़्यादा नहीं बन पाई इसमें। चलिए देखें, दूसरा ट्रिप कर रही हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी दर अच्छा मोटा ही, जैसे मैंने ये बेली है, इस इतना ही मोटा इसको बेलना है। और बहुत स्लो आँच पे तलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। देखिए, उस ढक्कन के किनारे जो थे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे, ग्लास के किनारे बहुत ज़्यादा शार्प हैं तो इससे हम कट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसी के शक्करपारे भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट आता है। इसी बैटर से शक्करपारे बनते हैं, बस सिर्फ इसमें फ़र्क ही होता है कि उसमें सौंफ नहीं होती, बाकी सब यही चीज़ें होती हैं। चलें, ये टक लगाने की वजह ये होती है कि इसमें एयर ना आ जाए, इसलिए। चलिए देखिए, मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है और ये मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है, क्योंकि हमें बहुत लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको तलना है, फ्राई करना है। बिल्कुल सही हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, और ये खुद ही ऊपर आएंगी जब ये तल जाएंगी, क्योंकि हम इसमें शक्कर की वजह से, चीनी की वजह से जो है हम इसको ज़्यादा तेज आंच पे नहीं पकाएंगे। चलिए देखें, बहुत लो मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी और अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी जब हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले हम नहीं टर्न करेंगे, वन बाय वन करके इसी तरीके से आप सारे ट्रिप तल लीजिएगा। ये देखें, मैंने टर्न की है और गोल्डन होनी शुरू हो गई है। आप इसका कलर देखिए, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह हम वन बाय वन सबको कर लेंगे। ये बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और मैं अब इसको निकाल रही हूँ। अभी हम बिल्कुल भी इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये नरम होंगी, थोड़ी सी हवा लगने के बाद इनमें सख्ती आएगी। आप कलर देख रहे होंगे, बिल्कुल बाजार वाला, जैसे आपने बाजार से ली हो, बिल्कुल वो वाला कलर आ रहा है। देखें, इसमें तिल भी कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं और हमें अलग से ऊपर से लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही महसूस हो रहे हैं कि हमने डाले हैं इसमें अच्छी क्वांटिटी में। चलिए, फ्लेम हमने फिर थोड़ा सा लो कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा तेज़ हो चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिर हम डाल रहे हैं सेकंड ट्रिप। ये मैं अपनी नानी मरहूमा के लिए बनाया करती थी जब मैं स्कूल गोइंग थी, बहुत बेचारी पसंद करती थी। अल्लाह ताला मरहूमा मेरी नानी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये उनकी ही पसंदीदा डिश थी, बहुत शौक से वो बनवाया करती थी और मैं उनके लिए बनाया करती थी। उसके बाद मैंने अब थोड़े अरसे के बाद फिर दोबारा बनानी शुरू की है, तो मैंने कहा आपको देखिए, सिखाऊं। बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट टिकिया बनी है हमारी और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। इस स्टेज पे आप उतार लें क्योंकि इसको रखने के बाद भी थोड़ा सा कलर डार्क होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा फ्राई हो जाए तो लुक में बुरी लगे। चलिए देखें, सेकेंड ट्रिप भी हो गया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। माशाल्लाह 2.5 कप मैदे में बहुत अच्छी खासी बन जाती है। आप आराम से जार में रखिए, इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, आराम से 15-20 दिन महीने भर ये ख़राब नहीं होंगी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चलिए देखें, मीठी टिकिया बहुत ज़बरदस्त सी तैयार है और आप इसको तोड़ के भी देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है और अंदर तक सिक गई हैं ये, और ना इसमें ज़्यादा आपको ऑयल पता चल रहा होगा कि मेरे हाथ ज़्यादा चिकने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।